इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, इसे देख लो, एज यूजुअल कॉपी डाउन कर लो। उसके बाद आप इसे 2x का होल स्क्वायर लिख दो। इतना लिखते ही और थोड़ी एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। अगर हम प्लस 2ab लिखते हैं तो एक बड़ा काम हो जाएगा। तो देखो हम लिख देते हैं 2a यानी कि ये, और b का मतलब मेरा इससे है यानी कि 2x से है, राइट। अब क्योंकि हम कुछ भी नया ऐड तो नहीं कर सकते हैं, तो बस उसी चीज को न्यूट्रल करने के लिए हम माइनस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैं फिर से लिखूं या फिर इन दोनों एक्स को कैंसिल आउट करके सीधा 4 लिख दूं, तो ये भी लिखा जा सकता है, ये ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। अब आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो यहां तक, ये बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में सेट हो गया है। तो इसके बदले आप बेहिचक लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अब जो ये माइनस 4 बचा उसे आप लिख लो 2 का स्क्वायर, ओके। अब एक बार फिर से आप देखो, अगर इस बार इसे मैं a मानूं तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि अब फाइनली आप लिख सकते हो a प्लस बी, जहां a का मतलब इससे होगा, प्लस बी यानी कि 2 से, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखोगे a माइनस बी यानी कि कुछ ऐसा। और बस देखते ही देखते आपका काम हो गया और इस सवाल को आपने कुछ यूं फैक्टराइज कर डाला। थैंक यू।